आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स और सौते वेजिटेबल्स इन चिली गार्लिक सॉस। मिनटों में बनके ये हो जाती है तैयार और खाने में है ये बहुत ही डिलीशियस। वेलकम टू रुचिकाज गुड फूड। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉस मिक्स बनाएंगे। उसके लिए 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, छोटा स्पून विनेगर, 1 छोटा स्पून सांबाल चिली पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच हनी। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी सॉस रेडी कर लेंगे। इसे पहले से तैयार करके रखने से हमें स्टिर वेजिटेबल्स बनाने में आसानी होती है। अब हम यहाँ पे पैन गरम करेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल या सेसमे ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा हम यहाँ पे पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। आप यहाँ पे पनीर की जगह टोफू का यूज भी कर सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम हीट पे कुक करेंगे, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाते। चलिए पनीर हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अलग से हम इसे साइड पे रखते हैं। अब उसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। गार्लिक हमें खूब सारा लेना है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कटा हुआ बारीक अदरक लिया है और दोनों को अच्छे से हम सौते करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी और फिर से 1.5 से 1 मिनट तक इसे सौते करूंगी। यहाँ पे मैं 2 से 3 बड़े चम्मच स्प्रिंग ऑनियन ले रही हूँ। खाली व्हाइट वाला पोर्शन ही अभी हम यूज कर रहे हैं। इसे हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे। अब मैं इसमें 1 कप के आसपास बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम डालूंगी। यहाँ पे मैं 1/2 कप मशरूम और 1/4 कप मैंने यहाँ पे कैरेट लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्रोकली यूज कर रही हूँ और बेबी कॉर्न यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स को हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे क्रंची ही रखना है। वेजिटेबल्स हमारी कुक हो चुकी हैं क्योंकि हमने इसे 1 से 2 मिनट तक ही कुक करा है। अब जो हमने सॉस का मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड करेंगे। सभी वेजिटेबल्स को सॉस के साथ बहुत अच्छे से कोट करेंगे ताकि सॉसेस और वेजिटेबल्स का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। ऐसा करने से एक्चुअली क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो सॉसेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में 2 छोटे चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है और 1/4 कप पानी लिया है। अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ पे पानी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा थिक पसंद है इसीलिए मैंने पानी कम डाला है। अब हम इसमें फ्राइड पनीर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक मीडियम हीट पे हम कुक करेंगे। आप स्टिर फ्राइड राइस को राइस के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं एज अ एपेटाइजर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन और सिसमे सीड्स डाल रही हूँ। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए लग रही है ना बिल्कुल कलरफुल स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स, वो भी चिली गार्लिक सॉस में। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स, वो भी चिली गार्लिक सॉस में, जिसे खाने का मजा ही बिल्कुल अलग आता है। आप इसे सर्व कर सकते हैं मेन कोर्स में, एपेटाइजर में, राइस के साथ आप इसे खा सकते हैं स्टीम राइस के साथ, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को घर में ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।